वो एक पिता होता है जो अपने बच्चों के लिए पूरे जहान से लड़ सकता है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकता है। एक पिता अपने बच्चों की ढाल बनता है, एक अटूट सहारा बनता है। क्या आप उस बेटी का दर्द समझ सकते हैं जिसने अपने पिता को खो दिया हो? आज की कहानी कश्मीर की बेटी की है, नाम मुमताज, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। आंखों में आंसू छिपाए मुमताज ने पिता के जनाजे के बाद कुछ ऐसा किया जिसकी पूरे इलाके में तारीफ हो रही है। रियासी शहर से लगते नवाबाद की एक बेटी ने मिसाल कायम की है। दरअसल मतदान के दिन हर रोज की तरह सूरज उगा, लेकिन पूरे गांव में मातम छा गया। खबर आई कि मुमताज के पिता अब्दुल गफूर का निधन हो गया। तभी एक बेटी ने पिता के देहांत के बाद सारी अंतिम रस्में पूरी की, फिर सीधा मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुमताज के घर में चार बहनें, एक भाई और एक भाभी है। वो कहती है कि वोट भी जरूरी था और जनाजा पढ़ना भी जरूरी था, तो हमने पहले जनाजा पढ़ा और फिर वोट डाला। सब मौजूद है, चार बहना, एक भाभी है, भाई है मेरे साथ, उन सब ने वोट डाला। कब मौत हुई थी पिताजी की और पिताजी का नाम क्या था? हाजी अब्दुल गफूर, 95 साल उम्र उसकी उम्र थी। तो कल 8 बजे हाँ मौत हो गई। कल जुमा भी था। जब जनाजा पड़ा उसके बाद हमने वोट डाला। जनाजे के बाद वोट डाला। आपको ये फर्ज पता था कि वोटिंग हो रही है, वोट देना बड़ा जरूरी है? हाँ, वोट भी जरूरी था और जनाजा भी पढ़ना जरूरी था। पहले जनाजा पड़ा उसके बाद वोट डाला जी। तो आपकी बहनें कितनी? चार बहनें। हाँ, एक भाई। अगर आप सोचते हैं कि वोट देना क्यों जरूरी है, या सरकार ने तो छुट्टी दे दी है, क्यों ना इसका मजा उठाया जाए, तो जरा सोचिए मुमताज पर दुखों का इतना बड़ा बादल फटा, लेकिन उनके पूरे परिवार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, फिर वो काम भी पूरा किया जो देश के हर एक नागरिक को पूरा करना चाहिए। मुमताज के भाई कहते हैं कि वोट देना हमारा हक था और जनाजा पढ़ना हमारा फर्ज। इतनी मुश्किल घड़ी में आपने कैसे निर्णय ले लिया कि एक तरफ पिता का जनाजा जो है वो निकला, दूसरी तरफ आपने लोकतंत्र का जो एक पर्व बनाया जा रहा था, वोटिंग हो रही थी, उसे भी चुना आपने? जी, जो हमारे वोट, ये राय हक था, ये भी जरूरी था, और जुम्मा ये भी फर्ज था, जो जनाजा पढ़ना ये भी फर्ज था, ये भी जरूरी, तो वोट देना राय हक था हमारा। आपके पूरे परिवार ने वोट दिया? पूरे परिवार। मुमताज ने अपने पिता गफूर के सुपुर्द खाक करने के बाद विजयपुर के सरकारी मिडिल स्कूल में बने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दिया। पिता से सदा के लिए बिछड़ने का गम तो हमेशा रहेगा, लेकिन मुमताज ने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को इस पर भारी नहीं पड़ने दिया। पिता के सुपुर्द खाक की रस्में पूरी होते ही चेहरे पर गम और आंखों में आंसू लिए मुमताज भी मतदान केंद्र पहुंची और कतार में खड़ी होकर वोट डाला। इलाके भर में मुमताज और उनके परिवार वालों की खूब सराहना की जा रही है। वाकई मुमताज ने दिखा दिया कि देश से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। नवाबाद रियासी से करणदीप सिंह की रिपोर्ट।